नमस्कार दोस्तों, गुरु चेला एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपका हिंदी गुरु प्रभात, और आज हम तद्भव और तत्संग के बारे में बात करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अहम भूमिका निभाने वाला ये जो तद्भव और तत्संग है, इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है कि कौन सा शब्द जो है वो तत्संग है और कौन सा तद्भव है। तो इसे जानने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि तद्भव और तत्संग होते क्या है, फिर उनके कुछ उदाहरणों पर चर्चा करेंगे। तत्सम ये जो शब्द है, इसमें आप देख रहे होंगे कि ये किए दो भागों में बढ़ जाता है। अगर हम देखें तो तत् और दूसरा सम, तत् और सम ये दो शब्द हो गए। अब हम इनकी अगर दोनों की चर्चा करेंगे तो कौन सा है? तत् मतलब उसी, उसका, उसके, और सम मतलब हो गया समान। तो किसके समान? उसके समान मतलब संस्कृत के समान। जब हम इस शब्द की चर्चा करेंगे तो यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है स, तो स के आधार पर हम देख लेंगे कि उसके समान यानी संस्कृत के समान, यानी अत्यधिक जो संस्कृत निष्ठ शब्द होगा उसके समान, मतलब संस्कृत के समान। समान समासिक भाषा में अगर इसका प्रयोग, इसका हम अगर परिवर्तन करेंगे तो कहेंगे कि संस्कृत निष्ठ, संस्कृत निष्ठ, जो संस्कृत के साथ में, संस्कृत के शब्द के साथ में समानता रखता है या जो संस्कृत निष्ठ है उसको कहेंगे हम तत्सम। और इसमें एक और भी बात ये देख सकते हैं कि जो तत्सम है, अगर हम इसी शब्द के आधार पर इसकी परिभाषा या फिर इसके इसका संदर्भ जानेंगे तो हम इसमें देखेंगे तत्सम में आ रहा है स। स से स्पष्ट है कि संस्कृत, इसीलिए इसको कहा जाता है तत्सम। और अगर हम इसके उदाहरणों पर चर्चा करें तो देखेंगे अग्निष्ठिका, जो अग्निष्ठिका है, अगर तत्सम अग्निष्ठिका है, इसका तद्भव जो होगा, जब हम इसका तद्भव में रूपांतरित होगा या इसका जो बोलचाल की भाषा मुख सुख के लिए जब इसकी हम चर्चा करेंगे, अपने अनुसार इसको अपने आधार पर ढालेंगे तो इसको कहेंगे अंगीठी। तो ये पहला है अंगीठी। दूसरा शब्द आप देख रहे होंगे अट्टालिका, ये जो अट्टालिका है यह भी तत्सम है, इसका जब हम देखेंगे तद्भव तो अटारी हो जाएगा। अब एक और है टॉपिक, वो भी हम इसी में देख लेते हैं, उसके बाद हम उदाहरणों की चर्चा करते हैं। जो अगला टॉपिक है वो तद्भव है, तद्भव। अब तद्भव का संधि विच्छेद करते हैं, जब तद्भव का संधि विच्छेद करेंगे तो दो भागों में इसको भी तोड़ेंगे, तद दूसरा भव या उद्भव, उद्भव। जो तद है, तद का अर्थ होता है बाद में या तदुपरांत, तदुपरांत। और ये भव है मतलब उद्भव, जन्म, उद्भव। इसका हम जानेंगे अर्थ ये है, जब तद और भव को हम मिला करके देखते हैं कि जिस ऐसा शब्द तद्भव वह शब्द है जिसका उद्भव जो है वो बाद में हुआ है, यानी तत्सम के बाद में हुआ है और तत्सम के आधार पर ही हुआ है। तो यह भी एक स्पष्ट इससे उदाहरण हो जाता है कि हम ऐसे शब्द की बात करेंगे, तद्भव के अंतर्गत ऐसे शब्द की बात करेंगे जिसका प्रयोग मुख सुख के लिए हम अपनी बोलचाल की भाषाओं में करते हैं। जैसे हमने देखा पहला अग्निष्ठिका लिखा हुआ था उसको हमने अंगीठी कहा, अट्टालिका लिखा हुआ है उसको अटारी कहा। उसी प्रकार जब आगे चलेंगे तो कहेंगे उद्गलन। अब उद्गलन तो कोई आम भाषा में प्रयोग नहीं करता है, जब बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी में हम जाने की बात करेंगे तो हम कहेंगे उद्गलन। और अगर हम आम बोलचाल की भाषा में जब इसका प्रयोग करेंगे तो कहेंगे उगलना। इसी प्रकार घोटक, घोटक को हम कहेंगे घोड़ा, चटिका, चटिका यानी चिड़िया, त्रिगुण मतलब तीन गुना या तिगुना, चूर्ण चूना, और तृण तिनका। एक और बात है तद्भव के साथ में, जब हम तद्भव की बात करेंगे तो इसमें एक शब्द आया, एक वर्ण आया है जिसको कहेंगे द, द, द की जब हम चर्चा करेंगे तो इसको यह भी कह सकते हैं देसी,
देसी, वैसे देसी का कुछ और भी मतलब हो जाएगा जो हमारे देश में बोले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देसी की कुछ और भी उपमा देंगे। देसी मतलब वे शब्द हो जाएंगे जो हम आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, हमारे जो अंचल की भाषा है, जब हम अपने अंचल में अपने क्षेत्र में जिन शब्दों का हम अपने अनुसार प्रयोग करते हैं और संस्कृत निष्ठ शब्दों के स्थान पर या उसी का लोप करके हम अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं तो उसको कहते हैं हम देसी। तो दोनों शब्दों को, दोनों वर्णों को अगर हम पहचानने के लिए देखेंगे तो तत्सम को स से पहचानेंगे और तद्भव को द से, द मतलब देसी, या फिर इसको हम भव यानी उद्भव, और तद मतलब बाद में, बाद में जिसका उद्भव हुआ है उसी को हम तद्भव कहते हैं, और तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान है उसको हम तत्सम कहते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आए कि उन्होंने कहा कि हमें तद्भव और तत्सम के बारे में पढ़ाइए, तो मैंने तद्भव और तत्सम का ये छोटा सा वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप देखिए और हमें मुझे बताइए कि कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।